जबलपुर मालवीय चौक से लोकसभा सांसद राकेश सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोके जाने और पंजाब सरकार द्वारा की गई चूक को लेकर विरोध में मशाल जुलूस निकाला। वही मशाल जुलूस निकालते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग भी की। साथ ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी से देश से माफी मांगने को कहा। विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा लोकसभा सांसद राकेश सिंह ने कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने का प्रयास किया गया वह पंजाब सरकार की सुरक्षा में बड़ी चूक है। आजादी के बाद पहली बार देश में इस तरह की स्थिति बनी। सांसद राकेश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा पंजाब के लिए पूर्व नियोजित था। भटिंडा एयरपोर्ट में उतरने के बाद मौसम खराब हो जाने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क मार्ग से जाने का निर्णय लिया था, जिसकी अनुमति और सूचना पंजाब सरकार से ली गई थी। उसके बावजूद जिस प्रकार से फ्लाईओवर में कुछ आंदोलनकारी या यूं कहे कि तहखित कांग्रेसियों द्वारा प्रधानमंत्री का रास्ता रोकने की कोशिश की है, जो देश के लिए बड़ी शर्मनाक घटना है। इसलिए अगर कांग्रेस को जरा भी शर्म है तो पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले और देश से माफी मांगे। आज देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया स्तब्ध है। कोई ये सोच भी नहीं सकता कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत जैसा देश और वहाँ के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक चुनी हुई राज्य सरकार इस तरह से कोताही बरते, स्वयं उसमें शामिल हो और प्रधानमंत्री को गंतव्य तक जाने से रोके। ये देश के इतिहास में ऐसी शर्मनाक घटना पहली बार हुई है। पंजाब में माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरे का कार्यक्रम निर्धारित था, पूर्व निर्धारित था। बठिंडा एयरपोर्ट से जब गंतव्य की तरफ उनको जाना था तो मौसम खराब होने के कारण ये तय हुआ कि अब वो सड़क मार्ग से जाएंगे। बाकायदा राज्य सरकार को इसकी सूचना की गई, राज्य सरकार से इसकी सहमति और अनुमति ली गई और उसके बाद जब उनका काफिला आगे बढ़ा तो बीच रास्ते पर एक फ्लाईओवर पर गाड़ियों के द्वारा और तथाकथित आंदोलनकारियों के नाम पर कांग्रेस के लोगों के द्वारा उनका रास्ता रोका गया। 20 मिनट तक अराजकता की स्थिति वहां पर बनी रही। शायद इससे बड़ा मजाक लोकतंत्र के साथ दूसरा नहीं हो सकता। देश में पिछले 70 सालों में आज़ादी के बाद अनेक राजनीतिक दलों के प्रधानमंत्री बने हैं, कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, पूरे देश का होता है, देश की जनता का होता है। और इसलिए प्रधानमंत्री को किसी राजनीतिक दल के चश्मे से देखकर इस तरह की हरकत करना ये बहुत शर्मनाक है। हमारी मांग है, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि पूरा देश मांग कर रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और बात बात पर लोकतंत्र की दुहाई देने वाले सोनिया गांधी और राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ इनको देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। और वास्तव में आप अगर भाईचारे की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था बरकरार रहे, कांग्रेस पार्टी भविष्य में विलुप्त होने से बचे, इसलिए आवश्यक है कि पंजाब के मुख्यमंत्री का इस्तीफा आप लें और देश की जनता से माफी मांगें। कांग्रेस इसे स्टैंड बता रही है। कांग्रेस के पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। कांग्रेस ने हर बार हमेशा ही पूरी दुनिया में जब जब भारत की साख बढ़ने का कोई मामला सामने आता है तब तब देश की साख पर बट्टा लगाने की कोशिश की है। आज उनके पास एक अवसर था कि देश की जनता से माफ़ी मांगकर अपने पापों को का प्रायश्चित वो कर सकते थे, लेकिन इस समय भी उन्होंने राजनीति करना शुरू कर दिया। ये थी हमारे संवाददाता एहतशाम खान की रिपोर्ट मध्य प्रदेश से।